केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू भी हो गया है। सरकार के इस फैसले का कई जगह विरोध भी शुरू हो गया है। लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही हैं। अब चर्चित तमिल फिल्म एक्टर और तमिलागा वेट्री कसगम यानी TVK पार्टी के मुखिया थलापति विजय ने भी CAA का विरोध किया है। विजय ने तमिलनाडु की DM की सरकार से इसे राज्य में न लागू करने की अपील भी की है। थलापति विजय ने सोमवार 11 मार्च को एक्स पर एक पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने बताया कि CAA का लागू होना मंजूर नहीं है। इस पोस्ट में उन्होंने एक लेटर शेयर किया है जो तमिल में लिखा गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक लेटर में विजय लिखते हैं, देश के ऐसे माहौल में जहां सभी नागरिक सामाजिक सौहार्द के साथ रह रहे हैं, वहां भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA जैसे किसी भी कानून को लागू करना स्वीकार नहीं होगा यानी कबूल नहीं होगा। थलापति विजय ने तमिलनाडु सरकार से ये सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है कि ये कानून राज्य में लागू ना हो। तमिलनाडु में थलापति विजय के अलावा कई दूसरे नेताओं ने भी CAA के नियमों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK Stalin ने इसे BJP का विभाजनकारी एजेंडा करार दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि लोग BJP को CAA लागू करने के चलते चुनाव में सबक सिखाएंगे। अब जान लीजिए कि CAA के लागू होने से नागरिकता कैसे मिलेगी। केंद्र सरकार का CAA कानून लागू होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसके जरिए 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन तीन देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नागरिकता के लिए लोगों को आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदक को बताना होगा कि वो भारत कब आया। इस नए कानून के बनने से पहले तक किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था, लेकिन अब पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए ये समय अवधि 11 साल से घटकर 5 साल से अधिक कर दी गई है। अब से पहले भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने वाले लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकती थी और उन्हें वापस उनके देश भेजने या हिरासत में रखने का प्रावधान था, लेकिन अब ऐसे लोगों को CAA के तहत देखा जाएगा। तो दोस्तों, इस खबर पर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, CAA पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हमारे चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।